अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जाहिद जिमनास्ट, जिमनास्टिक कोच, पाकिस्तान रेलवे नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। सो गाइस, आज मैं यहां पे आया हूं सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहां पे हमारा विजिट करने का मकसद है लोगों को अवेयरनेस देना, ताकि आपको पता चले स्पोर्ट्स के फ़ायदे क्या हैं। स्पोर्ट्स बेसिकली हर इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी चांस दें, ताकि आप ज़िंदगी में हर शोबे में कामयाब हो सकें। तो बेसिकली मैं जिमनास्टिक का कोच हूँ। आज यहाँ पे मेरा विजिट था सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये हमारा जिमनास्टिक का एक इवेंट है पैलर बार। इससे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये रोमन रिंग है, उससे पीछे हाई बार है। ये हमारे 3 इवेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। बेसिकली जिमनास्टिक के 6 इवेंट होते हैं। आज मैं आपको पैलर बार के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो हमारी इसकी कंडीशनिंग होती है, इसके ऊपर हमारा हैंड स्टैंड होता है, इसके हमारी जो ऊपर बेसिक एक्सरसाइज हैं उनसे रिलेटेड आपको मैं गाइड करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाहिद जिमनास्ट मेरे चैनल का नाम है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और लगती भी होगी, इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं। सबसे पहले आपको इसके ऊपर मैं बेसिक एक्सरसाइज हैं उनसे आपको मैं गाइड करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। जो जो जिमनास्ट हैं उनको तो बखूबी बात का अंदाज़ा होगा कि जिमनास्टिक कैसे स्टार्ट करते हैं और इसकी बेसिक क्या होती है। पहली बार की हर इवेंट की अपनी अपनी बेसिक एक्सरसाइज होती है, जो हमने अपने इवेंट पे करके दिखानी होती है, उसके बाद हम इस पर बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। चलते हैं स्टार्ट की तरफ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो मैंने आपको करके दिखाया है। इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको लगे कि ये मुश्किल है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिटनेस की तरफ तवज्जो देना होगी। तो फिटनेस तो बहुत ज़्यादा बेशुमार है, आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी क्लब का विज़िट करें, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जो फिटनेस कर रहे होते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बढ़ के जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को भी देख के हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड की हुई है फिटनेस के हवाले से। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। पहली बार का ये फर्स्ट स्टेप था, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। साथ साथ आपको मैं गाइड भी करता जाऊँगा फिटनेस के हवाले से। अगर किसी का बैली बड़ा हुआ है, बैली के हवाले से उनकी गाइडनेस हो जाएगी, फिजिकल जो फिट नहीं है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी को पेन निकली हुई है कमर की, शोल्डर की, किसी भी लिहाज से अगर वो फिजिकल फिट नहीं है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। आई एम जाहिद जिमनास्ट, जिमनास्टिक को शुभाशी जिमनेजियम गुजरांवाला में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा मैं गुजरांवाला में हर जगह विजिट करता रहता हूँ और वहाँ पे जाके मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ, ताकि लोग मेरी वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीख सकें और अच्छाई की तरफ आ सके। ये हमारा सेकेंड स्टॉप है। ये हमारा सेकंड स्टेप था जो कि इंतहाई आसान तरीन है। ये उनके लिए आसान होगा जो ऑलरेडी फिजिकल फिट है, जो न्यू कमर होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो एडमिशन के लिए आते हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। स्टेप बाई स्टेप अगर आप चलते जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलते हैं थर्ड सेट की तरफ। जिमनास्टिक बेसिकली तमाम गेमों की माए मदर ऑफ गेम है। ये कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता, इसके लिए आपको मेहनत दरकार होती है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इस पर अबूर हासिल होगा। अंडरस्टैंड। अब ये हमारा थर्ड स्टेप। हर सेट के आपने कम से कम 5 सेट करने हैं, और उन 5 सेटों में जो आपका पहला स्टेप सेट होगा उसमें कम से कम मैक्सिमम आपके 20, 30, 40, 50 जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी फिटनेस है, उसके मुताबिक आप उन रैपों को कर सकते हैं। तो चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। ये हमारा फोर्थ स्टेप। 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा फोर स्टेप था जो मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ों की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सके। और सबसे बढ़ के आप अपने अखलाक को दुरुस्त करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा जो अखलाक था, जिसकी वजह से काफ़र भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ करते थे और वो हैरान हो जाया करते थे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हैंड स्टैंड हम कैसे करते हैं, इसकी बेसिक एक्सरसाइज क्या है, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। स्टेप बाई स्टेप चलते जाते हैं ताकि आपको पता चले पहलर बार पे हमने हैंड स्टैंड करना कैसे है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा पहलर बार पे। इसमें हमारा बेली वायर होना चाहिए, ये आपको नज़र आ गया होगा मैंने कैसे करके दिखाया आपको। ओके, फाइनली हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं आपको हैंड स्टैंड करके दिखाता हूँ हैंड स्टैंड होता कैसे, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल पहलर बार पे। आपको बेसिक एक्सरसाइज मैंने करके दिखाई है। वॉकिंग, दोनों हाथों से पुश, शोल्डर की एक्सरसाइज, बेली की स्विंग, और उसके बाद ये लास्ट स्टेप था हमारा हैंड स्टैंड का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।